हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर, आपने फोन मिलाया था सर हमको। मैंने मिलाया था? हाँ सर, हम ये कस्टमर केयर से बोल रहे हैं सर। अच्छा, हाँ किया था, आप कॉल बैक भी करते हो? हाँ सर, आवाज़ तो करना ही पड़ रहा है सर। तो सर ऐसा है कि देखिए, 500 की नोट और 1000 की नोट की जो दिक्कत है, 500 की नोट आपको मिल जाएगी। अरे सुनिए, पर मुझे हाँ 500-1000 की नोट नहीं बदलनी, मुझे एक और एक सवाल था आपसे। हाँ हाँ जी, 500-1000 की नहीं बदलनी, सवाल है मुझे एक। सवाल मतलब इसके अलावा कोई सवाल? हाँ जी। अरे कमाल हो गया, अरे रुको रुको, होल्ड कीजिएगा। अरे सुनो शांतनु, अरे लोग दूसरा सवाल नहीं पूछ रहे, कोई शांति रखो, बात कर रहे हो भाई। अरे देखो देखो बात करो, एक सेकंड सर बात कीजिए लीजिए। अरे हेलो सर, मतलब इतनी खुशी हुई सर, मतलब ये सुन के कि आपको कुछ और सवाल था। सर हालत ऐसी हो गई कि मेरे मोबाइल फोन पे भी सर लोग 1000-500 के नोट की बात कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा सर, आग भराई सर, सर बड़ा अच्छा लगा सर। अरे और भी है, अरे देखो वो देखो, कोई और सवाल नहीं पूछ रहे हाय मेरे, हम तो पागल हो जाएंगे। सही बताओ, हम तो पागल हो गए, सुबह से लोगों के व्हाट्सएप फोन रिश्तेदार तक मेरे पीछे पड़ गए। अच्छे दिन आ गए लगता है। हेलो, अरे मेरा सवाल तो सुनो। अरे सर सवाल छोड़िए, ये बताइए कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? सर घर परिवार में सब ठीक है, पर मुझे मेरा पिन भूल गया हूँ मैं, वो कैसे रिजेक्ट करना है? अरे पिन विन को छोड़िए, पिन विन मिल जाएगा सर कल से। मतलब यही सवाल का जवाब देते थक गए, 500 का नोट के क्या होगा, 1000 के नोट के क्या। अरे हम क्या बताएं यार, हम क्या कर, प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐलान कर दिया, हम फंस गए, बताइए कोई बात होती है? अरे वो बराबर है, पर मुझे मेरा पिन तो कैसे जनरेट करूँ? अरे पिन का क्या है, पिन ले लीजिए मार्केट से, मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? हेलो, हाँ सर फोन मत काटिए सर, आप समझ नहीं रहे कितना अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। एक बात में समझ नहीं पड़ती, ठीक है फोन रखो। उसके बाद इन्होंने फिर नहीं उठाया। अरे सुमित, तुम्हारे दोस्त ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था यार। हेलो। हेलो, हाँ जी, यास्मीन बोल रही हैं। हाँ जी, हम यास्मीन बोल रहे हैं, आप कौन जी? आधा वर्जी यास्मीन जी, मैं रि बोल रहा हूँ। आधा वर्जी? हाँ, वो मास का भाई बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, क्या काम है? ये असल में ना, हम लोगों ने ना मास की शादी लगा ली है जी, तो कह रही थी वो आपको एक गाना सुनाना चाहती है। क्यों? अब वो बड़ी दुखी है, आप तो जानती मतलब हैं। मेरे हस्बैंड पे पीछा छूट रहा है तो वो दुखी है? हाँ, पता नहीं क्या है, वो अभी बड़ी दुखी हुए हैं और यू नो, अब वो बहुत ज्यादा गाना गाना चाहती है। एक बार आप गाना सुन लीजिए ना उनका। ये कौन सी बात है, गाना सुनना, हमको नहीं सुनना कोई गाना वाना। एक बार गाना सुन लीजिए ना, एक बार सुना। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं गाना सुनना उससे। अरे ऐसी क्या नाराजगी, बिल्कुल मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। अब नहीं करेगी ना, अब तो शादी होगी ना। बहुत आज हम बहुत खुश हैं कि उसकी शादी हो रही है, इतनी वो नहीं है कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके उसने रख दी। अच्छा किया कि उसकी शादी आप लोग कर रहे हो। मारूफ से कहिएगा कि हम खुद भी उनको बहुत मिस करते हैं। मिस करते हो क्या, आप भी अपनी बहन की तरह हो क्या जो मिस करते हो? नहीं, असल में हमको भी मारूफ से बहुत मोहब्बत थी। मोहब्बत थी? आपको हुआ क्या है? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, हमको बहुत मोहब्बत थी, हम इसीलिए मुमताज से कहते थे कि तुम पीछे हट जाओ तो हम मारूफ से मोहब्बत कर लेंगे। अरे सब लोग गाली दोनों जने सुनना चाहते हो क्या मेरे मुंह से? हम तो करते हैं, मारूफ से मोहब्बत करते हैं, इसमें गलत क्या है? क्या हो गया है आप लोगों को? क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है आपको? अब आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो मुमताज अब हट गई है, मुमताज की शादी हो रही है, तो उसका भाई अगर प्यार करना चाहता है, सिर्फ प्यार ही तो कर रहे हैं हम। वो मेरा हस्बैंड है, उनसे कैसे आप प्यार कर सकते हो? अरे हो जाता है, उसको मैंने तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। आप क्या परेशानी है आपको मेरी जिंदगी से? नहीं आपकी जिंदगी से नहीं, हमें मारूफ से प्यार है। तो वो मारूफ मेरे है ना? अब हमको तो मारूफ से प्यार है, हमको तो करने तो मारूफ से प्यार मोहब्बत इश्क। हम फोन ही काट रहे हैं, हमें बात ही नहीं करना, इसलिए आपकी बहन से बहुत पीछा हम छुड़ा चुके हैं, अब आप भी वही कर रहे हो, फोन रख दिया। अच्छा नहीं, हेलो 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 जी जी हेलो, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ रेडियो सिटी से। ओ माय गॉड, आप क्या कर रहे हो? मेरे ये नंबर आपको दिया किसने? हसन ने मेरे, मारूफ ने मुझे आपका नंबर दिया है। और हम लोग आपका उल्लू बना रहे थे। आपने मेरा उल्लू बना ही दिया। सॉरी सर। सॉरी किस बात का? और आपको ये भी बता दूं कि हम आपको हिडन वैली एंड रिजॉर्ट्स की तरफ से 2 रातें और 3 दिन का हॉलिडे वाउचर देते हैं। थैंक यू सर। हेलो हेलो। हाँ जी, स्वाति बोल रही? जी स्वाति बात कर रही हूँ। स्वाति जी नमस्ते, मैं ऋषभ हूँ, वो आपके वो रिश्ते की बात आई थी हमारे। जी बताइए। हाँ वो फोटोग्राफ भी दी होगी हमारी, आई होगी आपके पास? जी जी आई है।
हाँ हाँ हाँ। और वो आपने देख ली फोटोग्राफ? जी भेजी है तो देखी है मैंने। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, मतलब शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, वो असल में क्या था कि हम चाह रहे थे आपको सब सच बता दें। अब तो सच क्या? सच ये था कि एक्चुअली वो जो फोटोग्राफ है वो हमने थोड़ा सा फोटोशॉप करके भेजी है। अच्छा जी। हाँ, मतलब तो उसमें जैसे वो कम्प्लेक्शन बहुत फेयर दिख रहा है तो हमारा उतना फेयर कम्प्लेक्शन नहीं है, हम एकदम डार्क हैं। अच्छा अच्छा, वैसे इतना मुझे कॉम्प्लेक्शन से इतना मतलब नहीं। हाँ नहीं, वही मैंने कहा बता दें, आप कल को हमको देखेंगे आप डर जाएंगे कि हाय राम एकदम जेट ब्लैक आदमी, तो मैंने कहा बता दूं। नहीं, काले गोरे से क्या, मतलब इंसान अच्छा होना चाहिए। हाउ स्वीट ऑफ यू। अच्छा, दूसरी चीज ये भी बतानी थी कि देखिए मैं सब सच बता दे रहा हूँ। जी बताइए दूसरी चीज। वो मेरे चेहरे पे ना बहुत सारे पिंपल हैं, दाने। पिंपल तो क्या हो, तो कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन मेरे बहुत गंदे वाले हैं, कभी कभी मैं ऐसे दबाता तो पिचपिचा के उससे खून भी निकल आता है। अब एक चीज और बतानी थी, वो क्या था कि मेरे सर पे बाल भी नहीं है असल में। अच्छा, तो आपने इतना फोटोशॉप क्यों करा दिया? नहीं मैं जी, देखिए हमें तो आप बहुत पसंद आई थी तो हमने कहा कि अच्छी से अच्छी तस्वीर बना के भेजें। अब आप मान गए तो मैंने कहा सब सच बता देते हैं, हमारे सर पे बाल नहीं है, सिर्फ दो बाल हैं, वो टिनटिन की तरह। अच्छा जी, वो भी इतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है बाल। मैंने पहले भी बोला कोई खूबसूरती से मुझे इतना मतलब नहीं है, पर्सन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए मैंने, अगर वो मतलब आप कॉल करके मुझे बता रहे हो ये सब, दिस इज वेरी नाइस ऑफ यू, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेरे दोस्त सही कहते थे। एक्सक्यूज मी, हेलो। मेरे दोस्त सब सही कहते थे, आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ है, आपको मेरे पैसे से शादी करनी है, आपको मुझसे शादी करनी नहीं है। आई एम सॉरी, अब क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ मालूम है? जब मेरे सर पे बाल नहीं है, मैं अपना पूरा चेहरा के सब डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, फोटोशॉप करके भेजा, तब भी आप मुझसे शादी की, इसका मतलब आप मेरे पैसे से शादी करना चाहती हैं? हेलो, क्या दिमाग खराब है? हेलो। हाँ हेलो, क्या बोल रही हैं आप? अभी तो कल मिलेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा ना कि शादी करनी है कि नहीं करनी है, या पैसे की बात कहाँ से आ गई, आप तो एकदम ही एकदम अलग जोन में जा रहे हैं। बड़ी अच्छी लड़की, अभी मिलना चाहती। हेलो हेलो, हाँ मैं प्रतीक बोल रहा हूँ रेडियो सिटी से, और हम लोग आपका उल्लू बना रहे हैं। ओह गॉड, आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपकी दोस्त दीक्षा ने। दीक्षा, ओके अच्छा।